जी, कई बार ऐसा देखा जाता है कुछ लोगों का शिक्षण जागृत होता है, यानी जो भी घटना होने वाली होती है उनको पहले से आभास रहता है और वो सतर्क हो जाते हैं, कहीं ना कहीं बच जाते हैं। क्या एक साधारण व्यक्ति जिसके पास ऐसा कोई पावर नहीं है, क्या वो शिक्षण जागृत कर सकता है? कैसे? देखिए, सिक्स सेंस जो होता है, ये व्यक्ति जो आध्यात्मिक हो जाता है, बहुत भावनात्मक रूप से ईश्वर से जुड़ा हुआ होता है, उसका लगभग सिक्स सेंस जो एक्टिवेट हो जाता है। तो अगर ज्योतिष दृष्टिकोण से देखा जाए तो सिक्स सेंस तो चंद्रमा जिसके अच्छे होते हैं, प्लस केतु बहुत अच्छे से सिक्स सेंस देते हैं, और ये आज्ञा चक्र से, चूंकि जो है ये इसका सीधा संबंध होता है, यहाँ पे ग्लैंड होता है जो हमारे आज्ञा चक्र के पास, जो सिक्स सेंस वाला काम करता है, ये भूत भविष्य वर्तमान को देखने की क्षमता देता है। तो उसको आप त्राटक के द्वारा जो है उसको आप एक्टिवेट कर सकते हैं, ध्यान के द्वारा उस स्थान पे ध्यान देकर के आज्ञा चक्र पे उसको आप एक्टिवेट कर सकते हैं, और किसी भी बहुत प्रकार की साधनाएं भी होती हैं जिसके कारण से आप अपने सिक्स सेंस को एक्टिवेट कर सकते हैं। आप नाड़ी शोधन प्राणायाम करके भी जो है सारे चक्रों को बैलेंस कर सकते हैं, और सारे चक्र जैसे बैलेंस होते हैं वो आज्ञा चक्र बैलेंस होगा तो आपका सिक्स सेंस जो है अच्छे से काम करना चालू कर देता है। और ग्रहों में जो है केतु पंचम में बैठ जाए तो वो भी सिक्स सेंस के लिए बहुत अच्छा काम करते हैं, द्वादश में भी बैठ जाते हैं तो वो भविष्य की घटनाएं, भूत की घटनाओं को जो है स्वप्न में दिखा देते हैं, और अष्टम भाव के भी जो है ग्रह की दशांतर दशा में सिक्स सेंस काम करता है, और द्वितीय भाव का गुरु भी जो है छठी इंद्री को जो है सक्रिय करता है, सिक्स सेंस को जो है सक्रिय करता है। तो बहुत सारे योग होते हैं जिसमें छठी इंद्री सक्रिय हो जाती है और भविष्य की घटनाओं को हम जान सकते हैं।